क्या बात? इतनी कोई खास बात नहीं है, वो तुम्हें शर्मा कर याद है हमारे पड़ोसी वो मोटू चंद? तुम्हें कैसे सुबह सुबह याद आ गई? पता है उनके पास एक गाड़ी हुआ करती थी। मैंने तो कभी उन्हें गाड़ी चलाते हुए देखा। सुनो, उनके पास गाड़ी हुआ करती थी जो हमेशा गैराज में खड़ी रहती थी। उन्हें कभी भी कहीं बाहर जाना होता था तो वो पैदल जाते थे या तो ऑटो रिक्शा में, जबकि उनके पास ड्राइवर लाइसेंस भी था। वो ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं होता था कि वो खुद गाड़ी चला सकते। कभी अकेले गाड़ी चलाई ही नहीं, हमेशा ड्राइवर को बगल में बिठा के रखते थे, तो कॉन्फिडेंस ही नहीं था। तो इतने लाइसेंस लेने के बाद भी गाड़ी गैराज में रहती थी और वो खुद पैदल या फिर ऑटो रिक्शा। स्टूपिड इज दैट, मेन रोड पे नहीं तो कम से कम गली में चला के देख लेते। ये डरपोक लोग बिना डली यार, कुनाल की बात को इतना सीरियसली मत लो। देखो, उसके कहने का ये मतलब नहीं था, वो तुम्हारी बहुत चिंता करता है। सी, उसने कहा था कि नंदिनी को घर से मूव आउट हो जाना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि आज और अभी। सी, आई एम रियली सॉरी नंदू, उसकी प्लीज ना ज्यादा बनो मत। सब समझ में आ रहा है मुझे, तुमने कुनाल की बात सुनी है इसीलिए तुम इतना रिएक्ट कर रही हो। हम कुनाल की बातों पर रिएक्ट नहीं कर रहे, हम तुम्हारी बातों पर रिएक्ट कर रहे हैं। तुम्हें कहा था ना कि हमें खुद का एक नया घर बनाना चाहिए, खुद से खुद के लिए ये करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके लिए हमें तुम्हारा सहारा तो छोड़ना होगा ना। और कुछ कहने हैं हमारे पास, उसे बेचकर शुरुआत के खर्चे के लिए तो पैसे जमा हो ही जाएंगे। तुम आंटी जी के गहने बेचोगी? तो उसमें क्या हुआ मौली, हम गहने इसलिए बनाते हैं ना ताकि मुसीबत के वक्त काम आ सके। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, पगला गई हो तुम? ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम,